फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट बुक टू रिकॉर्ड ए ट्रांजेक्शन, किसी भी लेन देन को रिकॉर्ड करने वाली प्रथम बही कौन सी होती है, ट्रायल बैलेंस, जर्नल, बैलेंस शीट या नन ऑफ द दीज। ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और आप में से कुछ बच्चों ने पहले जवाब दे दिया है। यस, सबसे पहले हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, ये बात हम सबको पता ही है ना, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, रूल्स के अकॉर्डिंग है ना, पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट के रूल्स देखने पड़ते हैं, देन हम लेजर बनाते हैं, देन ट्रायल बैलेंस, देन ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन बैलेंस शीट। तो बट सबसे पहले तो हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, सब्सिडरी बुक्स होती हैं या जर्नल होता है। बिजनेस अगर छोटा है तो जर्नल एंट्री सीधा कर लेते हैं, बिजनेस अगर बड़ा है तो हमने सब्सिडरी बुक्स रखी होती हैं। सब्सिडरी बुक्स में जैसे परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, बिल रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, जर्नल प्रॉपर, ये सब होता है। बट मैं आपको फिर से रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि अगर बिजनेस छोटा है तो हम जर्नल एंट्रीज ही कर लेते हैं, अगर बिजनेस अगर हमारा बड़ा है तो हमने सब्सिडरी बुक्स मेंटेन की हुई होती हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर जर्नल है। आगे देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड यूजिंग एडजस्ट जर्नल एंट्री, इसमें से कौन सा जर्नल प्रविष्टियों को एडजस्टमेंट करने के लिए हम उपयोग नहीं करेंगे, अक्रूड एक्सपेंसिस एंड अक्रूड रेवेन्यूज, पोस्ट पेड एक्सपेंसिस, नॉन कैश एक्सपेंसिस या प्रीपेड एक्सपेंसिस और अनअर्न्ड रेवेन्यूज। क्या लगता है इसमें से कौन सा एडजस्टमेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं आएगा? आपको पता है ना हमारा एक चैप्टर आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट का, तो उसमें हमें एडजस्टमेंट का टॉपिक यस डेफिनेटली हमारे पोस्ट पेड एक्सपेंसेस, ये टॉपिक तो रियलिटी में हमारा होता ही नहीं है। पोस्ट पेड एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस जो हमने बाद में करने हैं, क्या मतलब है, ये तो एडजस्टमेंट का टॉपिक ही नहीं है। रियलिटी में एडजस्टमेंट में जो होता है आप सबको पता है। ठीक है, एडजस्टमेंट के अंदर आपको पता है ना कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, अक्रूड इनकम है, अनसिक्योर्ड इनकम है, अनअक्यूर्ड इनकम है, डेप्रिसिएशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, बैड डेट्स है, प्रोविजंस है, ये सारी बातें आती हैं। बट पोस्टपेड एक्सपेंसेस का तो हमारा कोई टॉपिक ही नहीं है। ठीक है, ईश्वर वो मैंने इसलिए बोला था क्योंकि ना कुछ क्वेश्चंस पुराने आ रहे थे, कुछ क्वेश्चन मान लो पीडीएफ तो बनी है मान लो 2022-23 की बुक में से या किसी और में से, किसी ने मेरे को पीडीएफ बना के दी, बट उसमें क्वेश्चन वो 2017-18 वाले भी पूछ रहे हैं आपसे, इसलिए मैंने बोला था कि अगर तुमको कुछ रॉन्ग लगता है तो आप अपडेट कर लेना। ठीक है ईश्वर, तो सारे सब्जेक्ट्स में तो मैंने ऐसे नहीं कहा ना कि अपने तरफ से अपडेट कर लेना, तो हर सब्जेक्ट में तो कभी कभी क्या होता है ना, बुक्स के अंदर अभी कोई लेटेस्ट एडिशन मान लो नहीं आया और आपका एग्जाम आना मान लो पीछे वाले असेसमेंट ईयर के अकॉर्डिंग, तो मैंने बोला ना कि अगर आपको लगता है कि अभी जो नई टेक्स्ट स्लैब पढ़ने तो उस अकॉर्डिंग अपडेट कर लेना। ठीक है ईश्वर, इसलिए मैंने बोला था और कोई रीजन नहीं था। नॉन कैश एक्सपेंसेस तो हम लिखते ही हैं, हमने एक्सपेंसेस कैश में किए या नहीं किए वो तो हम एडजस्टमेंट में लेके चलते ही हैं पूजा। ये तो पोस्ट पेड एक्सपेंसेस थे, बाद में करने एक्सपेंसेस हमने फ्यूचर में करने हैं, फ्यूचर में एक्सपेंसेस को हम एडजस्टमेंट में कैसे ले सकते हैं? ठीक है, तो ये पोस्ट पेड वाला टॉपिक था ना, ध्यान से देखो। ईश्वर क्लियर है अभी क्या कह रहा हूँ मैं? ओके, इसमें से कौन सा सही नहीं है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूजफुल ओनली टू द मैनेजमेंट या अंडर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग नो एडजस्टमेंट आर मेड फॉर द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड अक्रूड इनकम या अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये भी ठीक है,
डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड ओवर द फ्यू ईयर्स फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन मेथड इज मोर देन दैट देन कैलकुलेटेड अंडर द डिमिनिशिंग लाइन मेथड। तो इसमें से बताना है कि हमारा यूज कौन सा सच नहीं है। पहली स्टेटमेंट ये होनी चाहिए कि अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन क्या सिर्फ मैनेजमेंट के लिए होती है, सभी के लिए होती है ना। ये बात हमने पहले भी स्टडी किया था, अकाउंट्स के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है वो सभी के लिए यूजफुल होती है, चाहे वो मैनेजमेंट है, चाहे वो इम्प्लॉयज़ है, चाहे वो ओनर है, कोई भी है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो इसने तो यहाँ पर पहला ऑप्शन ही गलत दिया हुआ था और यही गलत वाला हमको सेलेक्ट करना था। नेक्स्ट देखो, वेन बिजनेस इज स्टार्टेड विद लोन, लोन अकाउंट विल बी। जब बिजनेस हमने लोन से स्टार्ट किया है तो हम डेबिट किसको करने वाले हैं। When business is started with loan, loan account will be. Loan account को हम क्या करने वाले हैं, ट्रांसफर करने वाले हैं, क्रेडिट करने वाले हैं, ना इधर डेबिट और क्रेडिट या डेबिटेड, क्या लगता है आपको? यस, क्रेडिट ही करेंगे ना, क्योंकि जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं लोन के साथ तो डेफिनेटली वो जो पैसा आएगा वो पैसा बिजनेस के लिए तो कैपिटल है, बट अगर वो हमने लोन से स्टार्ट किया तो लोन उस पर्सन के लिए तो लायबिलिटी है ना। तो जब हम लोन के साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो लोन के अकाउंट को हम क्रेडिट करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स हैविंग नो फिजिकल एग्जिस्टेंस बट पोजेसिंग ए वैल्यू आर कॉल्ड। लंबी अवधि की ऐसी प्रॉपर्टी जिनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता होने पर भी मूल्य संपन्न होते हैं, वे क्या कहलाती है? इनटेंजिबल एसेट, फिक्स एसेट, करंट एसेट या इन्वेस्टमेंट्स। यस, इनटेंजिबल एसेट्स ही होती है ना, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं होता पर उनकी वैल्यू तो होती है, संपन्न होती है ना, पेटेंट्स है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, जितनी भी हमारी इनटेंजिबल प्रॉपर्टीज होती हैं सारी की सारी। और टेंजिबल में बात करें तो लैंड, बिल्डिंग, टूल्स, स्टॉक, ये सब आती हैं, तो ये इनटेंजिबल एसेट्स की बात कर रहे थे। आगे देखते हैं, द डेट्स विच आर टू बी रिपेड विद इन ए स्टोर्ड पीरियड। ऐसे डेट्स जो हम लगभग एक साल के अंदर अंदर या कम टाइम पीरियड के अंदर पे कर देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? करंट लाइबिलिटीज, फिक्स लाइबिलिटीज, कंटिजेंट लाइबिलिटीज, नन ऑफ द अबव। आई थिंक तो बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन मिल रहे हैं आप सबको। यस, दीज आर कॉल्ड करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आउट ऑफ द फ्लोइंग विच वन इज नॉट द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। इसमें से ट्रायल बैलेंस को बनाने का मेथड नहीं है, टोटल मेथड, टोटल सम बैलेंस मेथड या बैलेंस मेथड या ट्रायल मेथड, इसमें से कोई एक ऐसा मेथड है जो ट्रायल बैलेंस को बनाने का मेथड नहीं है। यस, एग्जैक्टली, ट्रायल मेथड। ट्रायल मेथड कोई नाम ही नहीं है, होता ही नहीं है कोई। रियलिटी में ट्रायल बैलेंस बनाने को तीन मेथड होते हैं, टोटल मेथड, बैलेंस मेथड, टोटल एंड बैलेंस मेथड। तो इसलिए हमारा जो डी आंसर है वो हमारा गलत है, कोई ट्रायल मेथड होता ही नहीं है। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ बैलेंसेस। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच लेजर डबल एंट्री सिस्टम इज कंप्लीटेड। कौन सी लेजर के अंदर डबल एंट्री सिस्टम कंप्लीट होती है? जनरल लेजर, पर्सनल लेजर, क्रेडिटर्स लेजर या डेटर्स लेजर। In which ledger double entry system is completed? Yes. जर्नल लेजर, ठीक है। हर बिजनेसमैन के लिए जो खाता भी होती है और लेजर होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक होती है, क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ना वो सारी खाता बही से अपने को मिल जाती है, और खाता बही के बिना जो हमारी जर्नल की इंपॉर्टेंस है वो भी खत्म हो जाती है ना। और अगर हम खाता बही जर्नल लेजर नहीं रख रहे हैं तो डेफिनेटली हमारी अकाउंटिंग साइकिल ही पूरी नहीं हो पाती और डबल एंट्री सिस्टम भी पूरा नहीं हो पाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग एरर विल नॉट इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस एग्रीमेंट, इनमें से कौन सी त्रुटि तलपट समझौते को प्रभावित नहीं करेगी? पोस्टिंग एन अमाउंट ऑन द रॉन्ग साइड, या रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट, या रॉन्ग कास्टिंग ऑफ द सब्सिडरी बुक्स, या ओमेटिंग एन एंट्री ऑल टुगेदर फ्रॉम द सब्सिडरी बुक्स। हमने एंट्री करने से ही भूल गए, आपको क्या लगता है इसमें से कौन सी ऐसी गलती है जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेगी? यस, ओमिटिंग एन एंट्री ऑल टुगेदर फ्रॉम द सब्सिडरी बुक। हम भूल ही गए, कोई एंट्री करना भूल ही गए, कहाँ पे इफेक्ट कर रही होगी, दिखाई नहीं रही होगी हमको, छिप ही गई वो तो, क्योंकि ना तो डेबिट हुआ है ना क्रेडिट हुआ है, कोई इफेक्ट तो आ नहीं रहा, तो इसलिए वो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं कर रही होगी, पता नहीं चल पाएगा अपने को। आगे है, द इंटायर सिस्टम ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग इज बेस्ड ऑन द इक्वेशन, दोहरा लेखा प्रणाली पुस्त पालन की पूरी प्रणाली समीकरण पर आधारित है। किसके ऊपर? ग्रोथ प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर कैपिटल, या नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रोथ प्रॉफिट माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। आपको क्या लगता है इसमें से जो डबल एंट्री सिस्टम है बुक कीपिंग की, किस कौन सी इक्वेशन के ऊपर बेस करती है? ये क्वेश्चन तो आई थिंक आप सबको पता होगा। बताओ, 10th क्वेश्चन का आंसर बताओ। यस, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, बट कैपिटल की जहाँ पर यहाँ पर ओनर्स इक्विटी दी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आउट ऑफ द फ्लोइंग विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड व्हेन द कंप्यूटर अलोंग विद द सीपीयू इज सोल्ड दैट हैज बीन यूज्ड इन द ऑफिस, निम्नलिखित में से कौन से खाते को हम जमा किया जाएगा जब कंप्यूटर उसके सीपीयू के साथ बेचा जाता है, जिसका इस्तेमाल कार्यालय में किया जाता है? सेल्स एक्सपेंसिस, परचेज, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, या ऑफिशियल एक्सपेंसेस। कौन से अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे अगर हम उसको कंप्यूटर को वगैरह सेल कर देते हैं तो? यस, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट को हम क्रेडिट करने वाले हैं। यस सी, डेफिनेटली सी, क्योंकि जब हम सेल करेंगे तो क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट। नेक्स्ट इज, विच स्टेंस डज नॉट जस्टिफाई विद द पर्पज ऑफ बैलेंस शीट, इसमें से हमको एक स्टेटमेंट बतानी है जो ट्रायल बैलेंस को वेरीफाई नहीं करती है, ट्रायल बैलेंस के बारे में नहीं बताती। लिखा हुआ है, ट्रायल बैलेंस इंश्योर दैट द अकाउंट बैलेंस इज एक्यूरेटली एक्सट्रैक्टेड फॉर द अकाउंटिंग लेजर, तलपट यह सुनिश्चित करता है कि लेखा बही खाते से खाता शेष सही तरीके से निकाला जाता है। दूसरी बात, ट्रायल बैलेंस इंश्योर्ड फॉर एवरी डेबिट एवरी रिकॉर्डेड ए कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट एंट्री हैज बीन रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकॉर्डिंग विद द डबल एंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। थर्ड वन इज, ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्जिस्ट इन द आइडेंटिफिकेशन एंड द रेक्टिफिकेशन एरर, तलपट त्रुटियों की पहचान और सुधार में सहायता नहीं करता। आगे देखते हैं, ट्रायल बैलेंस एक्ट एट्स ए फर्स्ट स्टेप इन द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तलपट वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी में पहला कदम है। आपको क्या लगता है इसमें से कौन सा आंसर गलत लग रहा है? मेरे को तो सी लग रहा है, क्योंकि जब हम तलपट बनाते हैं, जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, तो हमको कहीं ना बहुत सारी एरर्स का पता चल जाता है और मिस्टेक्स, फ्रॉड, ये सब पता चल जाता है। डबल एंट्री सिस्टम की भी चेकिंग हो जाती है, मैथमेटिकल एरर का पता चल जाता है, काफी कुछ हमारी आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन का पता चल जाता है, प्रॉफिट लॉस, कुछ ना कुछ बातों को भी रेडी करने में हमारा काम आ जाता है। तो डेफिनेटली मेरे को तो सी गलत लग रहा है, तो सी गलत होगा। तो ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्जिस्ट इन द आइडेंटिफिकेशन द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, तो हमको यही बताना था इन चारों में से एक स्टेटमेंट ऐसी है जो ट्रायल बैलेंस को जस्टिफाई नहीं कर रही, मतलब गलत है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर सी होगा। यस,
नेक्स्ट देखते हैं, द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन सप्लाई टू यू, हमको ये इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है, ग्रोस प्रॉफिट है 50,000, सैलरीज है 10,000, रेंट है 4,000, ऑफिस एक्सपेंसिस 12,000, सेलिंग एक्सपेंसिस 5,000, एडवर्टाइजमेंट 8,000, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन है 11,000। हमको ये बताना है कि 10% की रेट से कमीशन को भारित करने के बाद प्रबंधक के कमीशन की गणना करनी है, तो मैनेजर का कमीशन हमको निकालना है 10%। आफ्टर के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो हमको दिए ही हुआ है, कितना दिया हुआ है 11,000 तो दिए ही हुआ है, शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, और ये बात हमको पता है अकाउंट्स के अंदर एक वर्ड आते हैं बिफोर और आफ्टर, इस चीज को भी हम ज्यादा डिफाइन नहीं कर रहे हैं, बट आफ्टर केस के अंदर हमारी क्या होती है, रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट हो जाती है। तो यहां पर क्या करना, 11,000 है ना, परसेंट कितनी है 10, तो 100 प्लस 10, 110, तो ये सोल्व करके देख लेना, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मैनेजर का कमीशन पता चल जाएगा। इसको आप सोल्व करके देखोगे तो आई थिंक 1,000 रुपये ही आएगा, ठीक है, तो 1,000 रुपीज हमारा आंसर होने वाला है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमको नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन दिए ही हुआ था, तो सीधा आप निकाल ही दो, पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। अदरवाइज जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो तो सारे एक्सपेंसेस माइनस करके कर करके कहां तक पहुंचते हो, नेट प्रॉफिट पे, नेट प्रॉफिट के अकॉर्डिंग आप क्या निकालते हो, कमीशन। तो यहां पे नेट प्रॉफिट तो आपको दी हुआ था, तो इसके ऊपर आप कमीशन निकाल लो, ठीक है ना। आगे देखते हैं 14, द फ्लोइंग डेटा इज अवेलेबल इन द रिस्पेक्ट ऑफ एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड के संबंध में ये आंकड़े ये डेटा हमको दिए हुए हैं, ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर, क्रेडिट सेल, ठीक है, हमको फाइंड आउट करना है कैश रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर, कस्टमर से कैश रिसीव कितना हुआ है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको वैसे पहले भी समझाया हुआ है, आप डेटर का अकाउंट रेडी कर लो, आपको पता चल जाएगा। हमारे पास ओपनिंग डेटर कितने हैं, ओपनिंग डेटर हैं 12,000, क्लोजिंग डेटर कितने हैं 15,000, ठीक है, हमने ड्यूरिंग द ईयर क्रेडिट सेल कितनी की है 28,000। अब यहाँ पे जो डिफरेंस रहेगा वो कौन सा होगा, यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा, ये तो मान लो डेबिट साइड है और ये मान लो क्रेडिट साइड है, तो डेबिट में से क्रेडिट को माइनस कर देना, 2812 40, 40 में से 15 गए 25, तो हमारे यहाँ पर जो कैश रिसीव्ड आना चाहिए वो 25,000 आना चाहिए। सोच के देखो हमारे स्टार्टिंग से डेटर कितने थे, हमारे स्टार्टिंग से डेटर से 12,000 रुपए के, सेल भी कर दी हमने 28,000 की, स्टार्टिंग से हमने लोगों से लेने थे 12,000, हमने उनको सेल भी कर दिए, टोटल डेटर कितने हो गए 40,000, 40,000 रुपए में से लास्ट में कह रहे हैं कि आपको 15,000 के डेटर तो अभी भी शो हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 25,000 रुपए हमने उनसे निकलवा लिए। तो वही आपसे पूछ रहा है कि ये बताओ कि आपने उनसे कैश रिसीव कितना किया, दैट इज 25,000। प्रैक्टिकल सी बात है ना, स्टार्टिंग में हमने उनसे लेने थे 12,000, 28,000 रुपए की सेल भी कर दी, तो टोटल डेटर कितने हो गए होंगे 40,000, 15,000 वो अभी भी कह रहा है कि क्लोजिंग में है, तो इतना इसका मतलब है कि ड्यूरिंग द ईयर आपने 25,000 रुपए उनसे वसूल कर लिए। तो सिंपल सा आंसर है ये, ज्यादा दिमाग लगाओगे तो पजल हो जाओगे, मैथमेटिक्स लगाओ यहां पर। भाई 25,000 आंसर आएगा, ठीक है, 25,000। क्वेश्चन नंबर 15, लीगल फीस पेड टू एक्वायर्ड ए पीस ऑफ लैंड इज, अगर हम लीगल फीस पे करते हैं किसी लैंड की जमीन के हिस्से को खरीदने के लिए तो क्या होगा, लैंड अकाउंट को डेबिट करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे, या मिसलिनियस एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्या लगता है आपको? ये मैंने आपको बताया था, सिंपल से क्वेश्चन आई है। यस, जब भी हम किसी प्रॉपर्टी को परचेज कर रहे हैं तो डेफिनेटली प्रॉपर्टी के अकाउंट में जाएगी, तो डेफिनेटली हमारा लैंड अकाउंट डेबिट होने वाला है। आगे देखो, ऑन रिसीप्ट ऑफ द बिल विच ऑफ द फ्लोइंग एंट्रीज इज मेड बाय द पे इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट, बिल की प्राप्ति पर भुगतान करते तरह अपनी लेखा पुस्तकों में कौन सी प्रविष्टि की जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, या ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, या ड्रॉयर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, या बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, या मेकर ऑफ द बिल, क्या लगता है?
जब हमारे पास बिल रिसीवल आता है तो हम क्या एंट्री करते हैं? डेफिनेटली यस, डी होगा। तो हम बिल रिसीवल हमारे पास आ गया, दिया किसने? सामने वाली पार्टी ने, तो डेफिनेटली वो ड्रॉ ही होता है या मेकर ऑफ द बिल होगा। ठीक है, तो डी आंसर हमारा यहाँ पे होने वाला है, हमने बी आर को एक्सेप्ट किया। ठीक है, आगे देखो, सिंगल एंट्री सिस्टम द बुक कीपिंग सिस्टम, एकल पृष्ठ प्रणाली बही खाता पत्ती की बेस्ट सिस्टम है, साइंटिफिक सिस्टम है, इनकम सिस्टम है या मोस्ट पॉपुलर सिस्टम है, इसको हम क्या कहते हैं? सिंगल एंट्री सिस्टम 11th के अंदर हमने स्टडी किया भी है कुछ लोगों ने चैप्टर वाला, ये एक इनकम्प्लीट सिस्टम है और पूरे चैप्टर के अंदर हम पूरी माथापच्ची करते हैं, कभी डेटर निकालो, कभी क्लोजिंग डेटर निकालो, कभी अमाउंट रिसीव्ड निकालो, कभी ये आइटम मिसिंग है, कभी ये आइटम मिसिंग है, काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिसिंग होती है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर इंफॉर्मेशन हमारे पास इनकम्प्लीट होती है, तो बहुत माथापच्ची करनी पड़ती है ना? जैसे छोटे छोटे दुकानदार हैं, वो सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर अकॉर्डिंग रखते हैं, सारी बातें रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते, तो सिंगल एंट्री सिस्टम है वो। नेक्स्ट देखते हैं, एनी डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस इज टेम्परेली ट्रांसफर टू, ट्रायल बैलेंस में किसी भी प्रकार का डिफरेंस में डिफरेंस होता है तो उसको टेम्परेरी फॉर्म में कौन से अकाउंट में हम ट्रांसफर करते हैं? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत सिंपल है, देखो क्या होगा। यस, सस्पेंस अकाउंट। फिर भी अगर किसी को डाउट है तो ट्रायल बैलेंस के चैप्टर में चले जाना, वहां पे आपको स्टडी करने को मिल जाता है कि जब भी ट्रायल बैलेंस का अकाउंट मैच नहीं हो रहा था, दोनों टैली नहीं हो रहा, तो हम सस्पेंस अकाउंट खोल देते हैं थोड़े वक्त के लिए, और जैसे जैसे हमको हमारी मिस्टेक्स पता लग रही होती हैं तो धीरे धीरे सस्पेंस अकाउंट को हम खत्म करना स्टार्ट कर देते हैं। तो डेफिनेटली ट्रायल बैलेंस के डिफरेंस को जो कि मैच नहीं हो पा रहा, इस वजह से हम उसको टेम्परेरली सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। सस्पेंस अकाउंट मतलब एक किस्म से उचंती खाता, जैसे हम किसी से उचंती पैसे उधार लेते हैं ना, भाई मेरे को थोड़ा उचंती पैसे दे दे, तेरे को अभी 2 घंटे में दे दूंगा या कल दे दूंगा, टेम्परेरीली किसी से पैसे लेते हैं, तो वैसे हमने टेम्परेरीली फॉर्म के अंदर एक अकाउंट ओपन कर देते हैं, दैट इज सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, इसको उचंती खाता बोलते हैं। आगे देखो, एनी एंट्री विच इज रिकॉर्डेड इन द बोथ साइड ऑफ द 3 कॉलम कैश बुक नोन इज, ठीक है, दोनों पक्ष में लिखी वाली एंट्री कौन सी होती है? काउंटर एंट्री होती है ना, जैसे कैश निकलवाया बैंक में से या बैंक में कैश जमा कराया, तो वो दोनों साइड हमारी इफेक्ट हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, तो इसके तो आंसर देखने की आपको जरूरत भी नहीं थी, कॉन्ट्रा एंट्री। तो ऐसी एंट्रीज कौन सी होती हैं जो कैश बुक के दोनों साइड को इफेक्ट कर देती हैं, दैट इज कॉन्ट्रा एंट्री। आगे देखते हैं, द डेबिट बैलेंस ऑफ द रिटर्न शो इन द ट्रायल बैलेंस शुड बी, प्राप्तियों का डेबिट शीट तलपट में कहां पे दिखाते हैं? डिडक्टेड फ्रॉम द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, या डिडक्टेड फ्रॉम द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, या डिडक्टेड फ्रॉम द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या डिडक्टेड फ्रॉम द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, जो रिटर्न होती हैं उनका जो डेबिट बैलेंस होता है वो ट्रायल बैलेंस में हम क्या करते हैं? यस, यस बी, यस बी आंसर करेक्ट है हमारा, बिल्कुल। ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, क्रेडिट साइड में जाएंगे, सेल में से माइनस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि सेल्स रिटर्न का ही तो होता है ना डेबिट बैलेंस, सेल्स रिटर्न का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। तो इसको हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे और सेल्स में से माइनस कर देंगे, सिंपल सी बात। तो यहां पर सेल्स रिटर्न के बैलेंस की बात हो रही थी, सेल्स रिटर्न के बैलेंस को क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में जाओ, क्रेडिट साइड में सेल्स में से माइनस कर दो, वही बात हमसे पूछ रहा था यहां पर, यही आंसर में है। डिडक्टेड फ्रॉम द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाकर मतलब सेल्स में से हमने डिडक्ट करना है, माइनस करना है। आगे देखो, द टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ डिस्काउंट कॉलम इन कैश रिप्रेजेंट, रोकड़ पुस्तक के डेबिट पक्ष के छूट कॉलम का योग क्या दर्शाता है? एक्सेस ऑफ डिस्काउंट अलाउड अवर डिस्काउंट रिसीव्ड, या एक्सेस ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड अवर डिस्काउंट अलाउड, या टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड, या टोटल ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड।
जो हमारा डिस्काउंट का जो कॉलम होता है डेबिट साइड का, उसका जो टोटल है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। अगर आपने कैशबुक वगैरह बनाई है तो उसमें भी आपको पता होगा। यस इट इज द टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड। सिर्फ डिस्काउंट अलाउड जो हमने टोटल दिया है उसका दिखाता है, इसके अलावा उसका कोई मीनिंग नहीं है। कैशबुक में आपने देखा है ना, कैशबुक में देखा हो हमारा डिस्काउंट का कॉलम होता है डिस्काउंट अलाउड का, उसका टोटल क्या दिखाता है? डिस्काउंट अलाउड का टोटल दिखाता है, और क्या दिखाता है? कुछ भी नहीं। उसमें अपने को कोई टोटलिंग तो करनी नहीं होती, उधर कितना इधर कितना है, सिंपल सा वैसे ही टोटल लगाते होते हैं। आगे देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द रियल अकाउंट, हमको इसमें से बताना है कि इसमें से रियल अकाउंट कौन सा है। अब देखो, डेटर अकाउंट हो गया पर्सनल अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट हो गया हमारा पर्सनल अकाउंट, रेंट अकाउंट हो गया नॉमिनल अकाउंट, तो रह क्या गया? बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट हमारा रियल अकाउंट होता है, ठीक है, बिल्डिंग अकाउंट हमारा रियल अकाउंट होता है। ओके नेक्स्ट, ट्रीटिंग अबनॉर्मल लॉस एस नॉर्मल लॉस लीड टू, असामान्य हानि का बर्ताव सामान्य हानि के रूप में होता है तो क्या होगा? नो चेंज इन प्रॉफिट, इंक्रीज इन प्रॉफिट, अनरिलेटेड टू प्रॉफिट, या डिक्रीज इन प्रॉफिट? यस इंक्रीज इन प्रॉफिट। क्योंकि जब हमारी अबनॉर्मल लॉस होता है ना, अगर हम उसको नॉर्मल लॉस की तरह ट्रीटमेंट करते हैं ना, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉफिट्स में इंक्रीज होता है, क्योंकि नॉर्मल जो लॉस है ना एक ऐसा लॉस है जिसको टाल नहीं सकते। तो इसी प्रकार की हानि को किसी भी संपत्ति के कुल स्टॉक में से घटाया जाता है, और जिससे खर्चों का परसेंटेज हमारा कम होता है। अब खर्चों का परसेंट कम होगा तो क्या होगा? प्रॉफिट इंक्रीज होने वाले हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट, द लिक्विडेटर नॉर्मली गेट्स द रिमुनरेशन इन द फॉर्म ऑफ कमीशन व्हिच इज यूजली बेस्ड एज ए परसेंटेज ऑन द वैल्यू ऑफ एसेट रियलाइज्ड एंड द अमाउंट पे टू डैश 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 क्रेडिटर्स, ठीक है। लिक्विडेटर जो होता है एक रिमुनरेशन गेट करता है इन द फॉर्म ऑफ कमीशन व्हिच इज यूजली बेस्ड एज ए परसेंटेज ऑन द वैल्यू ऑफ द एसेट रिलीज्ड एंड द अमाउंट पेड टू डैश क्रेडिटर, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड प्रेफरेंशियल या ऑल ऑफ दीज। लिक्विडेटर के जो हम पेमेंट करते हैं कौन सी होती है? वो अनसिक्योर्ड। यस, क्योंकि उसका जो भी हमने पेमेंट करनी होती है ना, वो उसका पहले से हम फिक्स कर लेते हैं कहां पर, मीटिंग के अंदर, तो वो अनसिक्योर्ड होता है, ठीक है। यस विच ट्रांजेक्शन आउट ऑफ द फ्लोइंग रिजल्ट इन इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी, ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन हैं जिसमें से हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों में इंक्रीज होने वाला है? ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन हैं जिसमें से एसेट्स और लाइबिलिटीज के बैलेंसेस में इंक्रीज होने वाला है? आप में से कुछ बच्चे कह रहे हैं सी। यस, क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर, अगर हम फर्नीचर को उधार में खरीदें तो फर्नीचर एसेट्स इंक्रीज, अब क्योंकि उधार में खरीदा है तो लाइबिलिटी इंक्रीज, तो ऐसी ट्रांजेक्शन जैसे एसेट भी इंक्रीज हो रही है और लाइबिलिटीज भी इंक्रीज हो रही हैं, तो डेफिनेटली दैट इज फर्नीचर को क्रेडिट पे उधार में खरीदना। अगर हम डेटर से कलेक्शन कर लें फिर तो एसेट्स कम एसेट ज्यादा, एसेट पे इफेक्ट आ रहा है। अगर हम गुडविल राइट ऑफ करें तो एसेट्स के ऊपर इफेक्ट है, सिर्फ पेमेंट टू क्रेडिटर करें तो कैश भी कम एसेट्स भी कम और लाइबिलिटीज भी कम। ठीक है, यस, सभी ने सही आंसर दिया है, वेरी गुड।